वार्ड नंबर 49 की कांग्रेस प्रत्याशी रीना महाजन ने लोगों से डोर टू डोर जाकर वोट अपील करते हुए कहा कि लोग उन्हें भी सेवा का अवसर प्रदान करें ताकि वो भी लोगों के सहयोग का उत्तर सेवा से दे सके। उन्होंने कहा कि लोगों का सहयोग जिस प्रकार से उन्हें मिल रहा है उससे उन्हें आशा है कि वह अवश्य ही विजयी होंगी। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रीना महाजन हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को समझ होनी चाहिए कि हमें किसको वोट देना है और कैसे वोट देना है। अब कांग्रेस की सरकार चल रही है पठानकोट में और लोगों को अपना कीमती वोट उन्हीं को कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहिए जिससे भारी बहुमत से हम जीतें और अपनी वार्ड के काम करवा सकें। जैसे कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार थी और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर कोई इतना प्रोग्रेस नहीं हुई है यहाँ पर, जबकि उन मेयर भी उनका था और कॉरपोरेशन भी उनकी थी, पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। पर अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का मेयर बने जिससे हम अपनी वार्डों के सुधार करवा सकें। आपको लगता है मैम कि आपके वार्ड के लोगों का आपसे सहयोग आपको पूरा मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों हाँ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो हमें बहुत इलेक्शन को लेकर हमारे इलेक्शंस को लेकर बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे अगर कोई पिछले 25 साल से जिसने आपके काम नहीं करवाए, कोई कह रहा है कि हम 15 साल से इस समाज सेवा कर रहे हैं तब भी आपके काम नहीं हुए, पर मेरे पति पिछले 5 साल से इसी फील्ड में है और उन्होंने वो ऐसे अधूरे काम लोगों के पूरे किए हैं जो उन्होंने 25 और 15 सालों में अधूरे छोड़ दिए हुए थे। मैं तो सबसे पहले वुमेन एजुकेशन के बारे में बोलूँगी क्योंकि वुमेन इस टाइम पे पिलर्स है हमारे नेशन की, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वुमेन एडुकेट होनी चाहिए क्योंकि अगर वुमेन एडुकेट होगी तो पूरा समाज एडुकेट होगा। आदमी अगर एक आदमी पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक फैमिली के लिए पढ़ता है, अगर लड़की पढ़ती है तो वो पूरे समाज के लिए पढ़ती है।